हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है आशीष रेकॉर्ड और स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और इस वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको कहा इंट्रो में कि हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को किस तरह से स्टडी करें, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अब मैंने ऑलरेडी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को किस तरह से स्टडी करें इस पे मैंने वीडियो बनाए हैं, और मैं कहूँगा जब ये वीडियो आप देखोगे इस वीडियो के बाद, उस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को किस तरह से स्टडी करें, इस पर मेरे चैनल पे दो वीडियो आ चुके हैं। तो मैं कहूँगा कि ये वीडियो होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, इस वीडियो के बाद आप वो दो वीडियोस वहाँ पे हमारे चैनल पे देख लीजिए, आपको हेल्प करेंगे CHN के स्टडी करने में। ये क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, CHN मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए, IMNCI, कुछ टॉपिक्स है जो रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स है, मतलब पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आप हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो, यहाँ पे ओनली पीडियाट्रिक्स नहीं है, तो फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो मतलब चाइल्ड के हेल्थ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले स्टडी करने को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस क्या है, यहाँ पे कितने यूनिट्स आते हैं, कितने चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, बुक्स कौन सा रेफर करें। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए मैं कहूँगा पारुल दत्ता बुक है वो अच्छा है, आप रेफर करिए। उसके बाद बीटी बसवंतप्पा जैसे बुक है, PV जैसे बुक है, बट पारुल दत्ता इज़ बेस्ट। और जो बुक्स आप रेफर करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट पारुल दत्ता इज बेस्ट, बीटी बसवंतप्पा एंड PV ऑल्सो यू कैन रेफर। अब इस बुक से आप अपने हिसाब से, आपके लैंग्वेज में आपको जो अच्छा लगता है उस तरह से आप नोट्स ले लीजिए, खुद के नोट्स ले लीजिए। थर्ड थिंग, जब आप रीड करते हो तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम रीड करिए, मतलब एक सिस्टम के बाद दूसरे सिस्टम, अकॉर्डिंग टू यूनिट, फर्स्ट यूनिट, फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, एक एक यूनिट को सेपरेट फोकस करते हुए आप रीड करिए, ना कि एक यूनिट रीड किया फिर स्टार्ट किया, लाइक उसी तरह उसी फ्लो में कंटिन्यू किया आपने सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और एक दिन में खत्म किया, इस तरह से आप स्टडी मत करिए। बट एक यूनिट ले लीजिए, फिर उस यूनिट को आप स्टडी करिए, उस यूनिट को रीड करते हुए आप पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए आपके साथ में, हाईलाइटर ले लीजिए। जब आप रीड करते हो बुक से तो उस बुक में आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करते रहिए, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप अपने रफ नोट्स लेते रहिए, ताकि राइटिंग और रीडिंग एट ए टाइम आपका हो जाएगा, मतलब आप जब रीड करोगे तो आपका स्टडी ऑलमोस्ट हो जाता है एट द, बिकॉज आप रीड भी करते हो, लिखते भी हो, नोट्स भी करते हो, हाईलाइट भी कर लेते हो, तो ये आपको ईजी हो जाता है याद रखने में। उसके बाद अब नोट्स किस तरह से लेते, तो दोस्तों चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज द सेम लाइक मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सेम लाइक मैंने इसलिए कहा बिकॉज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, मतलब जो अडल्ट में जितने भी डिसीज कंडीशन है, उसी तरह चाइल्ड में, मतलब पीडियाट्रिक्स पेशेंट में वही डिसीज कंडीशन हमको देखने को मिलते हैं। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में या फिर पीडियाट्रिक्स में आप वही डिसीज कंडीशन पढ़ते हो जो आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़े और जो आपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़े। मतलब फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड ऑटिज्म, ये आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हो, वही आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ते हो। जुविनाइल डेलिक्वेसी, ये आप चाइल्ड मतलब CHN में जिसे हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं उसमें पढ़ते हो, वही आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हो। लाइक कार्डियक टेम्पोनेट, ये आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ते हो, वही आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ते हो। तो मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स है जो आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी पढ़ते हो और वो आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ते हो, और दोनों भी आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हो। तो बिफोर रीडिंग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मैं कहूँगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को का स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़िए, उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़िए, और तब जाके आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का स्टडी करना स्टार्ट करिए। बिकॉज ये दो सब्जेक्ट आप जब स्टडी कर लोगे, आपका बेस इट विल बी हेवियर एंड पक्का बेस आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, जब आप रीड करोगे आपको एक आइडिया ऑलरेडी रहेगी कि ये डिजीज कंडीशन क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी रहेगी। जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी रहती है तो फिर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है उस टॉपिक के बारे में स्टडी करने के लिए, तो फिर आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा। सेकेंड थिंग,
आप एक पैटर्न आपको ऑलरेडी पता होता है किस पैटर्न से आपको स्टडी करना है, तो आप वो पैटर्न भी फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद आपको लाइक सब इजी लगता है, तो अगर कोई इजी लगता है तो आपको उसको करने में और कॉन्फिडेंस आता है। अब जब कॉन्फिडेंस आता है तो और अच्छी तरीके से आप लाइक पॉजिटिवली आप वो करते हो, और अच्छी तरह से अगर आप करते हो तो आपका स्टडी ब्रिलियंटली इंटेलिजेंट लेवल पे, लाइक अगर उसको आपका आईक्यू उस टॉपिक पे जिसमें आपका इंटरेस्ट आ जाता है तो वहाँ पे उस टॉपिक के रिलेटेड आपका आईक्यू बढ़ जाता है, तो फिर आप उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों ये बेसिक टिप है, एक बेसिक लाइक जनरल बात है, इस वीडियो में मैंने कुछ जनरल बात कही है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात, इसको लिखते समय या फिर इसको इसके नोट्स लेते समय पीडियाट्रिक्स के या फिर इसके स्टडी करते समय उसी पैटर्न से आप स्टडी करिए जिस तरह से मैंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में वीडियो में बताए हैं और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के वीडियो में बताए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो दो वीडियो भी देख लीजिए, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, तो वो दोनों वीडियो प्लस ये वीडियो आपको हेल्प करेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का स्टडी करने में। और इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का स्टडी करने के लिए आप अरुण दत्ता बुक रेफर करिए, पीवी की बुक रेफर करिए, बेटी बसवंतप्पा की बुक रेफर करिए, सभी बुक्स अच्छे हैं। हो सके जितना आप अपने खुद से मैन्युअली नोट्स प्रिपेयर करिए खुद के, आपको ये हेल्प होगा। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी टिप, सिंपल टिप, बेसिक टिप आपको मदद करे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का स्टडी करने में। अगर आपको ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, और भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं सब्जेक्ट्स के थ्रू, लाइक सब्जेक्ट्स के ऊपर किस तरह से आपको स्टडी करना चाहिए उस टॉपिक के ऊपर। और अगर आपका कोई फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपके डाउट को क्लियर करने का मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय। Close till I get up, time is barely on our